यादव वापस ले नामांकन। बिहार कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए हैं। महागठबंधन में ये सीट आरजेडी के कोटे में है। आरजेडी की भीमा भारती इस सीट से विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार है, लेकिन पप्पू यादव के नामांकन ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर अब तक चुप्पी साधे कांग्रेस की ओर से अब प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बिहार कांग्रेस ने पप्पू यादव को अल्टीमेटम देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसी को भी निर्दलीय नामांकन नहीं करना चाहिए। उन्होंने दो टुक कहा कि कांग्रेस आलाकमान किसी को भी इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता है। आपको बता दें, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा कि और भी लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीज एक्सपेक्ट नहीं करती है और ना ही सपोर्ट करती है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नामांकन वापस लेने के लिए अभी समय बचा हुआ है, इसलिए पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले ले। साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नॉमिनेशन किया था। बीमा भारती के नामांकन के अगले ही दिन पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय पर्चा भर दिया था। पप्पू यादव ने कांग्रेस के जयकारे लगाए, ये दावा भी किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आशीर्वाद से वो नॉमिनेशन भर रहे हैं। और आपको बता दें, इससे पहले पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से नामांकन करने का ऐलान करते हुए कांग्रेस से अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगाई थी। साथ ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय का ऐलान करते हुए कहा था कि वो पूर्णिया सीट से महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, पप्पू यादव की नॉमिनेशन पर क्या कांग्रेस अब कोई सख्त कदम उठाएगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।